सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फूड एंड ब्यूटी चैनल को, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेड कलर के बटन पे क्लिक कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी, और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम मूंग दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो मूंग दाल जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है ये। जैसे कि आपको ढाबे में, रेस्टोरेंट्स में मूंग दाल, येलो दाल तड़का फ्राई मिलता है, बिल्कुल हम वैसे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमको कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने मूंग दाल ले लिया है और थोड़े से टमाटर को चॉप कर लिया है, घी लिया है, अदरक लिया है, साथ ही साथ हमने लहसुन लिया है जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, प्याज है, हरी मिर्ची है, धनिया है। तो इन सबको जो है जो हमने सारी सामग्री रेडी कर ली है। और साथ ही साथ हमें जो है सूखी लाल मिर्च चाहिए, जो कि आप दो कि हमें दो या तीन चाहिए। और यहाँ पे जो हमने कढ़ाई ले ली है उसमें हम घी डाल दिया है, लगभग 1.5 चम्मच हमने घी डाला है, देसी घी। और रेस्टोरेंट में जो है दाल तड़का फ्राई, जो येलो दाल तड़का फ्राई है, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने घी गर्म होते ही हमने जीरा जो है तड़का दिया है, ये 1 चम्मच जीरा है। और इसमें हमने लहसुन डाला है, थोड़ा सा लहसुन डाला है, थोड़ा सा लहसुन हमने बचा लिया है क्योंकि हम दोबारा डाल के तड़का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अदरक डाला है, अदरक और लहसुन हम थोड़े से बचा के रखे हैं, और प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है। तो जो मेथड है बिल्कुल सेम है, इस तरीके से ही बनाते हैं। तो हमने अदरक और लहसुन को थोड़ा सा बचा के रखना है, और इसमें हम जो है प्याज वगैरह डाल देंगे पूरे, जितना भी हमने चॉप किया था, हरी मिर्च डाल दी है पूरी, और टमाटर जो हमने चॉप किए थे वो भी हमने डाल दिए हैं। प्याज दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको बारीक कट किए हुआ है, टमाटर हैं दो मीडियम, उनको भी चॉप करके रखा हुआ था रफली, और अच्छे तरीके से हम सोड़ रहे हैं जैसे कि हम तड़का लगाते हैं दाल के लिए वैसे ही करना है। नमक डाला है, रेड चिल्ली पाउडर डाला है, नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने दाल उबलते टाइम में भी जो है नमक डाला था। तो यहाँ पर हमने धनिया पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है। तो हम ऐसे दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने दाल का तड़का रेडी कर लिया, नमक और लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाल दिया है। अब दाल जो हमने कैसे उबालनी है, इसके अंदर हम दाल को अच्छे से, मूंग दाल को अच्छे से धो लें, उसमें नमक और हल्दी डाल के, हींग डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको विसल दिला लें। एक विसल दिलाने के बाद जो है आप गैस धीमी कर दें 5 मिनट, और उसके बाद गैस बंद कर दें। ऐसे जो है हमारी मूंग दाल जो है रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है हमने जो तड़का तैयार किया है वो हम दाल के अंदर डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम इसको उबाल दिलवाते रहेंगे, और साथ ही साथ हम एक और तड़का तैयार कर। फ्रेंड्स, इसमें जो है हमने दाल के अंदर जो तड़का मिक्स करा था इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे, और हम एक और दाल के ऊपर छोंक लगाने जा रहे हैं, जो कि ये छोंक जो है दाल का स्वाद ही बिल्कुल चेंज कर देगा। फ्रेंड्स, इसमें हमने देसी घी दोबारा डाला है। अब हम देसी घी एक करछी हमने देसी घी डाल के जीरा डाल दिया, जीरा तड़का दिया हमने, जो कि हम दाल के ऊपर बघार तड़का यानी बघार इसके ऊपर अलग से डालेंगे तो बहुत स्वाद अलग निखर के आएगा। इसमें हमने जो लहसुन और अदरक बचा के रखे थे वो हम इसमें डाल रहे हैं, और लाल सूखी मिर्चें डाल रहे हैं हम इसके अंदर, ताकि इसके जो रंगत है, जो कलर है दाल का, बिल्कुल चेंज आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल दाल तड़का फ्राई वैसा आएगा। इसमें लाल कश्मीरी मिर्च आप डाल सकते हैं, या फिर आप रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसे क्या दाल का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने गरम मसाला ऐड कर दिया, और अदरक और लहसुन जो बचा के रखा था वो भी हमने इसमें डाल दिया, और अच्छे से फ्राई करके हम इसमें दाल के ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है और इतनी यम्मी दाल बनी है। फ्रेंड्स, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपके घर में गेट टुगेदर हो, डिनर हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। किसी तुरंत तड़का लगाते ही हम इसे लीड से आप ढक दें या प्लेट से आप ढक दें ताकि इसे खुशबू इसी के अंदर ही समा जाए। उसके बाद हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे, और साथ साथ एक गरम मसाला भी थोड़ा सा और डाल देंगे, 1.5 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया था। और उसके बाद जो है अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यमी और टेम्पटिंग और डिलीशियस रेसिपी बनी है ये। फ्रेंड्स, दाल तड़का फ्राई जो कि जो है खाने में, मूंग दाल बहुत जल्दी पच जाती है, डाइजेस्टिव बहुत अच्छा रहता है इससे, जल्दी दाल पचाने वाली ये दाल है, और जो है इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना है। फ्रेंड्स,
तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करना। रेसिपी को बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने छोटी छोटी टिप्स देने की कोशिश करी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपकी भी बन सके। और जो है इस रेसिपी को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जो है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नए वीडियो के साथ अपडेट होते रहो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहूँगी। स्टे हेल्दी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।